हे गाइस व्हाट इज अप, स्वागत है आप सभी के टेकोमीटर के ब्रांड न्यू वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हो फिर याद रखते हो तो आपके प्रति जो आपके फोन का प्रेम है वो थोड़ा और उमड़ के आएगा, अच्छे से होके आएगा। आपका फोन जो है मतलब लैग वैग कम होगा और आपको एकदम मस्त थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस जो है एनहांस करके देगा। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। दोस्तों टिप नंबर वन, सबसे मस्त टिप दोस्तों है ये, मतलब एक्सट्रीम टिप है। इसमें ये टिप ये है कि आपका फोन आप तभी इस्तेमाल करो जब आपको जरूरत है, बेफालतू का इस्तेमाल मत करो। इससे होगा ये है कि आपका फोन भी मस्त रहेगा, आप भी मस्त रहोगे और आपके पेरेंट्स का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। भाई सच बता रहा हूँ, आपके पेरेंट्स तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये था टिप नंबर वन। नहीं भाई मस्त मजाक कर रहा हूँ, जो कर पा। चलते टिप नंबर वन की तरफ। देखिए टिप नंबर वन जो है, बहुत लोग ये मिसकॉन्सेप्शन में है कि अपने फोन में क्लीनिंग ऐप इंस्टॉल कर देंगे, क्लीनिंग ऐप से झाड़ू चलाएंगे, रॉकेट उड़ाएंगे, ये करके जो है अपना फोन को क्लीन एकदम साफ कर देंगे। भाई बहुत करता है भाई, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सही बता रहा हूँ, इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। वो रॉकेट उड़ा लो, उसके नीचे जो है आग लगा दो, उड़ जाएगा, बस उतना ही, और उससे कुछ फर्क नहीं। वो सिर्फ आपके फोन में स्टोरेज और आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है प्रोसेसर का वो कंज्यूम करता है और कुछ नहीं, कुछ क्लियर नाम का कुछ नहीं करता। देखो भाई इन सब एप्स को सबसे पहले डिलीट करो अपने फोन से, क्लीनिंग एप्स को हटाओ, क्लीनिंग एप्स, गेम बूस्टिंग एप्स, इन सभी को अपने फोन से हटाओ, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब चलते दोस्तों दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट यह है कि आप थोड़ा अपने फोन के जो यूजर्स है उसको एनालाइज करो। एनालाइज मतलब इन द सेंस कि आप, हो सकता है कि जैसे अभी आज आपको एक ऐप का जरूरत पड़ा, उस ऐप को आपने यूज किया, हो सकता है 5-6 दिन बाद उस ऐप का कोई काम ना हो आपके फोन में। एक टाइम के लिए वो यूज किया आपने, वन टाइम यूज किया, फिर बाद में आपका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन वो भाई ऐसे पड़ा रहता है अपने आपके फोन के अंदर, पड़ा ही रहता है जिंदगी भर, तो वो उससे भी फर्क पड़ता है। तो होता यह है कि आपका फोन का डेटा तो है ही, स्टोरेज भी है, प्लस प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कंज्यूम करता है। तो ये सब पे थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, जो चीज जरूरत नहीं है उन सबको हटा दीजिए, महीने में एक बार या फिर दो बार ये चीज आप कर सकते हो, इससे आपका फोन हेल्दी रहेगा। अच्छा दोस्तों तीसरे पॉइंट में, तीसरा पॉइंट ये है कि आपका जो भी फोन में फीचर्स दिए हुए हैं वो सभी को इस्तेमाल जो है जब जब तभी करें जब आपका जरूरत है। जैसे कि डेटा वाईफाई के बीच में शफल करना, जैसे कि आपके घर में वाईफाई है तो आप घर में वाईफाई ऑन रखो, डेटा को ऑफ करके रखो, जब बाहर जा रहे हो तो वाईफाई ऑफ कर दो, डेटा को ऑन करो। हाँ ये थोड़ा मतलब कौन बार बार ये वो करेगा ये चीज रहता है, लेकिन अगर आप इन चीज का ध्यान रखो तो उससे भी फर्क पड़ता है। ब्राइटनेस जो है उसको ऑटो पे नहीं रख के मैनुअली सेट करो। अगर आपके चारों तरफ मोबाइल के चारों तरफ लाइट ज्यादा है तो ब्राइटनेस बढ़ा दो, अगर लाइट कम है डिम है तो उसका भी ब्राइटनेस आप कम कर दो, इससे भी फर्क पड़ता है। तीसरा चीज की आपका जो फोन का जो वॉलपेपर रहता है या फिर कुछ भी, बहुत लोग उसमें लाइव वॉलपेपर रख देते हैं या फिर ब्राइटेड वॉलपेपर जो है उसको रख देते हैं वॉलपेपर, तो इन सभी चीज को भी आप नेग्लेक्ट करो प्लीज। खास करके लाइव वॉलपेपर बिल्कुल भी मत रखो, आजकल कोई लगता भी नहीं इतना, लेकिन अगर आप रख रहे हो तो उसका भी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज की वो जो है स्क्रीन हिलता रहता है तो उसमें भी आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो खींचता है, तो इससे आपका फोन भी थोड़ा बहुत लैगी फील आपको हो सकता है। और अगर आपको मान, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला टिप यह है कि अगर आपको, आप कोई ऐप चला रहे हो और वहां पे आपको थोड़ा सा लैगी, थोड़ा सा लेट आपको फोन अगर फील हो रहा है तो उस टाइम पे क्या करो, अपना रिसेंट में जाओ। रिसेंट में हो मजबूरी में, मैं पहले बोला था पहले वीडियो में जो चार्जर वाले में कि रिसेंट से मत हटाया करो, लेकिन अगर आपका फोन फिर भी नहीं चल रहा है रिसेंट, मतलब कोई ऐप अगर लैग हो रहा है तो रिसेंट से एक बार सबको क्लीन करो, क्लीन करके फिर आप फिर से उसी ऐप को रिस्टार्ट करो। हाँ इसे थोड़ा सा प्रोसेसर से वो प्रोसेसिंग टाइम कंज्यूम करेगा, बैटरी कंज्यूम करेगा, लेकिन उससे फर्क नहीं, कम से कम आपका ऐप जो है वो ढंग से काम करेगा। खास करके पेमेंट्स वाले ऐप में, ट्रांजैक्शन वाले ऐप में, जैसे गूगल पे फोन पे जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसको मैं एडवाइस करूंगा कि हमेशा उसको रिस्टार्ट करके ही आप उसको यूज करें। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल टिप में। अगला टिप जो है वो ये है कि आप थोड़ा सा महीने में एक दो बार जो है अपने फोन को रिबूट जरूर कीजिए। रिबूट है भाई, रीसेट नहीं है, रिबूट। रिबूट ऐसे ये होता है कि आपका फोन जो है वो अपने आप से स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर अपने आप से स्विच ऑन हो जाएगा। इससे हो जाता है कि आपका फोन जो है थोड़ा सा रिफ्रेश स्टार्ट लेता है, थोड़ा सा फ्रेशली वो काम करने लगता है। इससे होता है कि थोड़ा बहुत जितने भी जंक फाइल्स होते हैं ना वो थोड़ा सा हट जाते हैं और आपका फोन थोड़ा फ्रेशली काम करने लग जाता है। दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, काम के लगे, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें, सेफ ड्राइव करें और देखते जरूर रहें। ऑल टेरेन मींस जय हिंद।